हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इट्स फाइन, वेलकम टू ब्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि M30S में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें 2 दिन का बैकअप नहीं मिल रहा। तो अगर आपके पास M30S है और आपको 2 दिन का बैकअप नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पावर मोड्स हैं जिसकी मदद से आप अगर नहीं ले पा रहे हैं 2 दिन का बैकअप, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप उसमें डेफिनेटली 2 दिन का बैकअप, 2 दिन इवन 2 दिन से ज़्यादा का बैकअप ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल मोड्स ऑन करने पड़ेंगे। तो ये मोड्स के बारे में है वीडियो। स्पेशल मोड्स काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। और अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरह से आपको वो पावर सेटिंग करनी है, पावर मोड्स इसमें सेट करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही अच्छे फीचर हैं पावर को लेके, ताकि आप इसकी फुल 6000 mAh की बैटरी का फुल यूज़ ले सकें, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ और डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस किस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक इसमें ऑटोमेटिक फीचर है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो उसमें ये आपको सेंस करके बताएगा कि आपकी कहाँ पर बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रही है। वो ऑप्शन आती है आपकी डिवाइस केयर में। तो ये देखिए, ये है डिवाइस केयर वाला ऑप्शन, जिसमें ये अब दिखा रहा है कि मेरी कुछ ऐप्स बहुत ज़्यादा बैटरी खा रही हैं। तो उसमें यहाँ पर आ रहा है फिक्स नाउ। तो आपको करना क्या है, पहले मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ जो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा उसका सोल्यूशन है। तो ये मैसेज आपके पास आएगा, उसको आपने फिक्स नाउ दबाना है। तो जैसे ही आप फिक्स नाउ दबाएंगे तो ये आपको बता देगा कि कौन सी आपकी ऐप्स हैं जो कि ज़्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम कर रही हैं, तब भी कंज्यूम कर रही हैं जब आपका फ़ोन स्लीप में है। तो आप चाहेंगे कि जिस टाइम आपका फ़ोन स्लीप में है आपकी बैटरी ना चले, ये तभी चले जब आप इसको ऑन करें, मतलब आप जब इसको यूज़ कर रहे हो। इस तरह से क्या होगा, आपकी बैटरी का बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में मेरे इन्होंने 3-4 ऐप्स बताई हैं जो स्लीप में आपकी बैटरी खाती हैं। वो है टिकटॉक, और यही एक ऐप है जो ये बता रहा है कि आपकी बैटरी को गड़बड़ कर रही है। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि आप इसको स्लीप करवा दें। स्लीप का मतलब है कि ये जब आप फ़ोन आपने रेस्ट मोड में रखा हुआ है तब ये ऐप बैकग्राउंड में रिफ्रेश नहीं करेगी और इससे आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। तो मैं इसको स्लीप पे डाल रहा हूँ। तो जैसे ही हमने स्लीप पे डाली तो ये अब आप देख सकेंगे कि ये ब्लू हो गया। अब इसका मतलब है कि ये फ़ोन टोटल ऑप्टिमाइज्ड है आपके बैटरी बैकअप देने के लिए, और इस मोड में ही आपको 2 दिन से ज़्यादा का बैकअप आसानी से देगा। तो ये मैंने डन कर दिया और नीचे आपका आ जाएगा 100% ऑप्टिमाइज्ड। ये देखिए, अभी इसको चेक करेगा, ये देखिए नीचे आ गया 100% ऑप्टिमाइज्ड। जब ये मोड पे आप रखेंगे फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड, अब ये मोड सेलेक्ट कैसे करने हैं, मैंने ऑप्टिमाइज्ड पे रखा हुआ है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं पावर मोड्स में जाके। तो करना क्या, आपने डिवाइस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब नीचे आएगा आपका मेन्यू, एडवांस फीचर, फिर डिजिटल वेबलिंग, और यहाँ पर आता है डिवाइस केयर। डिवाइस केयर में जाना है। सेटिंग्स के बाद आपने जाना है डिवाइस केयर में, मेन्यू में। डिवाइस केयर मेन्यू में आपको इस तरह का कुछ मेन्यू दिखेगा। तो इसमें बिल्कुल लेफ्ट में आपको मिलेगा बैटरी। तो ये मैंने बैटरी सेलेक्ट करी, और फिर आपकी अगर बैटरी में कोई गड़बड़ कर रही है ऐप तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो मेरी ये टिकटॉक वगैरह वाली ऐप गड़बड़ कर रहे थे तो वो मुझे दिखी और मैंने उनको स्लीप पे डाल दिया। स्लीप का मतलब है जब ये फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ तो वो हमारी बैटरी ऐप्स नहीं खाएंगी, इससे हमें जब हम इसको यूज़ करेंगे तभी वो बैटरी यूज़ करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा है। अब इसके अलावा इससे भी ज़्यादा अगर आपने बैकअप लेना है, अब इस बैकअप पे ये हमें बता रहा है कि अगर हमने ऐसी सेटिंग रखी ऑप्टिमाइज्ड तो ये मुझे बैकअप देगा 2 days and 1 hour का। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 2 days and 1 hour। ये अब इसमें कुछ पावर मोड्स और भी हैं इससे ज़्यादा बैकअप लेने के लिए। तो वो जब आप पावर मोड को क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए 3 modes मिलेंगे। इसमें पहला मोड है ऑप्टिमाइज्ड जो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप हैवी यूज़र हैं, आप सारी ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका जो ऐप्स हैं आपकी बैटरी को खाएं, तो जब आप यूज़ करें तब वो ऑन हो जाएगा, अदरवाइज वो स्लीप रहेंगे। तो ये बेस्ट मोड है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बैकअप चाहिए तो इसमें है मीडियम पावर सेविंग, एक है मैक्सिमम पावर सेविंग। तो ये 3 मोड में से आप एक मोड चूज़ कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि इसमें बाकी मोड्स में आपके कुछ फीचर्स चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मतलब कुछ चीज़ें जैसे आपकी लोकेशन वगैरह ढूंढता रहता है जब आप स्लीप पर हैं। अगर आपने वो मैक्सिमम वाला ऑन कर दिया तो कुछ फीचर्स आपके बंद हो जाएंगे ताकि आपकी बैटरी सेव हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप हैवी यूज़र हैं मेरी तरह, तो आप ऑप्टिमाइज पर रखें, बेस्ट है।
लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं फ़ोन करने के लिए और एक मैसेजेस करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें तामझाम, तो आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे उसको क्लिक कर सकते हैं। अब इन तीनों सेटिंग्स का तो मैंने बात कर ली। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसको मैं कहूँगा फ्लैगशिप फीचर, वो है इसके चौथे नंबर पे अडेप्टिव पावर सेविंग। ये देखिए, इसी के ऊपर मैंने स्पेशल फीचर दिखाने के लिए बनाया था। ये है अडेप्टिव पावर सेविंग नंबर 4 पे जो आ रहा है। इसको जब आप ऑन कर देते हैं, अडेप्टिव पावर सेविंग को जब आप अडेप्टिव पावर सेविंग को ऑन कर देंगे, तब क्या करेगा, तब ये आपका फ़ोन आपकी यूसेज को ऑटोमेटिकली अपने आप मॉनिटर करेगा और उसके हिसाब से इन तीनों मोड्स में से शफल होता रहेगा। कहने का मतलब है, अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, सारी ऐप्स को यूज़ करते हैं मेरी तरह, तब वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज मोड पे आपके फ़ोन को रखेगा ताकि आपको सारी ऐप्स यूज़ करने को मिले, सारे फीचर्स यूज़ करने को मिले और आपकी बैटरी का बैकअप भी जो है एंड में ख़त्म ना हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मीडियम यूज़र हैं, ज़्यादा ऐप्स को यूज़ नहीं करते, कुछ ऐसे पड़ी रहती हैं, तब ये मीडियम वाले पावर मोड पर चला जाएगा अपने आप, ताकि आपको और बैटरी बैकअप दे सके। और तीसरा पॉइंट वो, जब आप बिल्कुल ही, अगर आप कोई मल्टीमीडिया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए या सिर्फ वीडियोस देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलावा आपका कोई उसमें ऐसा इच्छा नहीं है फ़ोन यूज़ करने की, तब ये ऑटोमेटिकली सेंस करके आपके फ़ोन को मैक्सिमम पावर सेविंग मोड पे डाल देगा। तो इससे आपको इवन 3 दिन तक का भी बैकअप मिल सकता है। तो ये तीन पावर मोड्स हैं जो कि आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चौथा इसमें है अडेप्टिव पावर मोड, जिसकी हेल्प से आप आपके फ़ोन को ऑटोमेटिक कर लेंगे कि ये अपने आप ही सिलेक्ट करेगा कि आपका यूसेज कैसा है, उसके हिसाब से आपके पावर मोड्स को शफल करता रहेगा ताकि आपको मैक्सिमम बैकअप मिल सके। तो ये तरीका है अगर आप ऑटोमेटिकली फ़ोन को चाहते हैं कि आपको अच्छा बैकअप दे, तो ये तरीका आप आजमाएं। समरी कर देता हूँ कैसे जाना है। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, पहला पॉइंट। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे डिवाइस केयर में। डिवाइस केयर में जैसे आप जाएंगे, आपको ये मेनू मिल जाएगा इस तरह का, और उस मेनू में, फर्स्ट मेनू में आपको मिलेगा बैटरी। सेटिंग में आना है, डिवाइस केयर, डिवाइस केयर के बाद बैटरी, और बैटरी में आपको मिलेंगे पावर मोड्स, और इन पावर मोड से आप तीन पावर मोड से एक मोड चूज़ कर सकते हैं अपने आप। मैंने रखा है ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किस तरह का यूज़र हूँ। अगर आपको नहीं मालूम आप किस तरह की यूसेज कर सकते हैं फ़ोन की, आप थोड़े कन्फ्यूज़ हैं भी इन तीनों मोड्स में से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसको ऑटोमेटिक पे डाल दें। ऑटोमेटिक का मतलब है अडेप्टिव पे, और बहुत अच्छा फीचर है। उससे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी कंजप्शन को देखते हुए ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा डिफरेंट पावर मोड्स में, तो इससे आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। तो अगर आपका नाम डटी ऐसा भी है तो प्लीज़ लिखिए आपको कितना बैकअप मिल रहा है, बाकी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और अगर आपको इन फीचर्स से मदद मिलेगी तो प्लीज़ ज़रूर अपना विचार प्रकट करें, कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, और प्लीज़ अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको MTTS का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। काफ़ी लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें कुछ ये प्रॉब्लम है, अभी हमें वो प्रॉब्लम है, पर मैं, अगर आपके मन में विचार है कि मैं MTTS लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा 2019 का बेस्ट मिड सेगमेंट फ़ोन है MTTS, क्योंकि इसमें जो बैटरी आपकी ज़बरदस्त है 6000 mAh की, और इस तरह से पावर मोड्स दिए गए हैं ताकि आपको मैक्सिमम बैकअप मिल सके। और मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑप्टिमाइज्ड पावर मोड का, तो आपकी ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप तक अभी यूज़ नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ जाके अपने यूसेज के हिसाब से पावर मोड को सिलेक्ट करें या फिर अडेप्टिव मोड को ऑन कर लें, ताकि आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन का बैकअप मिल सके। तो प्लीज़ आप शेयर कर लें इस वीडियो को, काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़, और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।